लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने उसके लिए अपनी फैमिली छोड़ दी, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दी। She just walks away। कतर दी, फ्लाइट बुक करा दी या आज दी। तू बस एक काम कर, तू अपना बस्ता पैक कर, भरावा जा यार। तुम्हें अपना फोन नंबर दे देती हूँ। I will paytm you the amount। To the star of the evening, here's to the most amazing designer I'm aware of, Ananya Sharma। Cheers। Cheers। You have no idea how proud I am of you। You're happy? I am not happy, I'm ecstatic। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे फिर से छोड़ के चली जाए। मैं नहीं रह सकता उससे दूर। लव है। तुम्हें क्या लगता है कि 20 साल के बाद रोहित चेंज हो पाएगा और वो एक्सेप्ट करेगी ये सब? शी इज नॉट अ वाइफ मटेरियल। ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली हो। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मैं बड़ा घनचक्कर टाइप का इंसान हूँ। क्यों? क्यों मतलब क्या है? शादी के बाद हम लोग एक भी हनीमून पे नहीं गए। क्या यस? एसिडिटी हो रही है रोहित को। आई डोंट थिंक रियली। आई एम फाइन। नो 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 रोहित इट्स ओके। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो फिर नहीं करना चाहिए। मेरे डैड को भी है। फादर इज आल्सो वेरी फाइन मैन। थैंक्स फॉर द शैंपेन। लेकिन शादी बहुत डिमांडिंग है यार। सेम आदमी सेम चेहरा, एक पॉइंट के बाद ना इरिटेटिंग हो जाता है। किसमें? जाने मान। ग्लैडली। व्हाई? प्रोडक्शन। लेट्स हैव अ बेबी। बट आई एम वर्किंग। सभी लोग काम करते हैं, सबके बच्चे होते हैं। तुम हो पास, कह भी दो ना दिल के राज। हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास। अब तुम ही तो हो जिंदगी। के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दो और ये रख देना वहाँ, और वो पूनम के रूम में रख दो। माँ, रोहित ने आपको फोन किया था, बोला कि वो आ रहा है यहाँ। आपने मुझसे पूछा ही नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे वो वहाँ खाली घर में थोड़ी ना रहेगा अकेला। माँ, आपने एक बार पूछ तो लिया होता मुझसे। मॉर्निंग मॉम। हाय दादी। हेलो बेटा। वानी, आज अचानक? हाँ। अरे क्या बात कर रही हो, इसका अपना घर है, जब चाहे आ सकती है। एग्जैक्टली दादी। आई विल सी यू गाइस। बाय। रोहित का भी घर है, वो भी जब चाहे आ सकता है। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पूनम? भरा भरा घर अच्छा नहीं लगता क्या तुम्हें? माँ, दैट्स नॉट द पॉइंट। रोहित यहाँ रहने वाले हैं, इसके बारे में आपको मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। और वैसे भी शीना यहाँ आ रही है और कुछ महीनों के लिए रहेगी। मैं गेस्ट रूम उससे देने वाली थी। अरे शीना तो तुम्हारे साथ भी रह सकती है रूम में, या फिर रोहित तुम्हारे साथ। माँ, सुनो रोहित। जो निकी का गिफ्ट है ना, वो तुम्हारे ब्राउन हैंडबैग में है। और सतनाम को बोलना चीज डीप फ्रीज में ना रखे, लास्ट टाइम सब खराब। अरे वेट या ये सब मुझे याद रहेगा। डोंट वरी, मैं वैसा ही करूंगा जैसे तुमने कहा है। हाँ, लेकिन आई वांट टू टेल यू दैट वो हैरी है ना, हैरी। हाँ, उस आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, उससे जरा बच के रहना। रिलैक्स बेबी, दुनिया के सारे मर्द ना तुम्हारी बीवी के पीछे नहीं पड़े हैं। He has a girlfriend also now। अरे I know he has a girlfriend and he is using her as a cover up, ताकि दूसरों की बीवी के साथ वो फ्लर्ट कर सके, उनका एडवांटेज ले सके। Unlike you ना। मतलब? कल रात तो माय गॉड, यू वर बिहेविंग लाइक अ टाइग्रेस। ओह व्हाट रबिश। आई वाजंट। ऑफ कोर्स यू वर, बट नो प्रॉब्लम, यू वांट अ बेबी ना। हां, पर क्या, अगर प्रेग्नेंट आई विल कम ना, 2-3 महीने की तो बात है। आई विल टेक केयर ऑफ यू। अच्छा, अपना सारा काम छोड़ के यू विल कम हियर? Yeah, so what? और वैसे भी एक बार में ऐसे कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। अच्छा, एक बार में कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। वो शायद 2-3 बार में हो जाए। अभी फ्लाइट को बहुत टाइम है। Really naughty boy. Amit, I think it's a terrible idea investing in India, you know. I don't know if you're aware, but the property prices in India have just sort of dived down, spiraled down, and it's. अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मुझे लगता है ऐसी जगह करना चाहिए. Look at this place, beautiful, lovely weather. Totally in love with this place. This is my country. अरे, सुमानी साहब, हाय, तुम यहाँ पे? हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आप यहाँ पे? But you were supposed to fly back home, right? In fact, Anna's reporting late for work. She said she wants to spend time with you. See you off. Right. तो मैं Anna के साथ ही था तो. हाँ. फिर एक जरूरी मेरी मीटिंग थी यहाँ. Wow, मीटिंग थी यहाँ पे? सैंड ड्यून्स में? यार यहाँ पे ना तो मुझे कोई कॉफी शॉप दिख रही है ना ही ऑफिस दिख रहा है. In fact, यहाँ पर मेरे शेख जी और कैमल्स के अलावा और कोई नहीं है. ये तो अच्छी बात है कि आप दोनों मुझे मिल गए, नहीं तो मुझे कैमल्स से काम चलाना पड़ता. और वैसे I must tell you, what a great party. Thank you. मेरा पार्टी करने का इरादा नहीं था. यहाँ एक्चुअली काम के सिलसिले में आया था. बहुत सारी मीटिंग्स थी मेरी. But superb time. What a lovely weekend. Anna got so drunk. Then we had so much fun. You know, Anna and me. It was like a second honeymoon. TMI. हाँ जी. Too much information to it. नहीं आपको तो बताना पड़ेगा ना. आप तो दोस्त हैं, हैरी साहब. मेरी बीवी आपके साथ रहने वाली है यहाँ 2 महीने और काम के सिलसिले में. तो you must take care of her, right? I understand what you're saying. कि पर्सनल लाइफ एक अलग होती है, काम जो होता है वो अलग होता है. ये दोनों को सेपरेट ही रखना चाहिए, है ना? Absolutely. हाँ जी. Excuse me. हाँ मेरा भी फोन है. Hey Anna. Hi. कैसे हो अमित? Who? तुम्हारा पति. जिसके लिए तुम ऑफिस लेट आई वो मेरे साथ है. क्या? कह रहा था यहाँ पे उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है. सैंड ड्यून्स में उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है. मुझे लगता है I think he missed his coffee shop. Okay, I'll see you in 1 hour. Yeah, I'll see you in an hour's time. I'm heading to the office, all right? Okay. Meeting कर रहा है, but पता नहीं किसके साथ. अबे यार, तू उससे मिलने क्यों गया भाई? यार, आना यहाँ 2 महीने रहने वाली है. तो तू मेरे को तो झूठ मत बोले यार. ओ भाई साहब, मैं तेरी ना ये इंडियन हस्बैंड मेंटालिटी को ना बड़े अच्छे से जानता हूँ. तू वहाँ बस यही बोलने गया ना कि तेरा और तेरी बीवी के बीच में सब कुछ सही चल रहा है. और तू तो यहाँ आ जाएगा और वो मैडम 2 महीने वहाँ पे रहेगी और इसी बीच में वो तेरा हैरी इस पे ट्राई ना मारे, इसीलिए तू ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा है. तू भी ना कैसी बातें करता है यार. चल आ रहा है वो, बाद में बात करता हूँ. वो एक्चुअली यू आर राइट, मीटिंग मेरी कॉफी शॉप में थी. तो ये आई थिंक ये रास्ता कतर के रास्ते कुछ ऐसे ही है ना, भूल गया ये रास्ता. चले कहाँ वापस. हाँ चलिए, आप अपनी गाड़ी में चलिए, मैं जरा. अरे शेख साहब, I think you should invest in India in property. Bad idea, Rohit. Bad idea. I was just telling him कि investments के लिए वक्त खराब है. I think you should just try and safeguard all investments. No. I don't agree. Property very safe investment. India booming. I invested. I know how to take care of my things. Anyway, all the best. All the best to you. Welcome, sir. Bye. Going back to Anna. Hi baby, I'm also really missing you. घर जाके मुझे फोन करना, ओके? Of course. वैसे माँ ने गाड़ी भेजी थी, कह रही थी फार्म हाउस आ जाओ. But I'm going home. रोहित, बता रहा हूँ तुम्हें. I'm reporting to you. तुम्हारी मिनट की अपडेट मुझे नहीं चाहिए बेबी. चलो I'm going. हैरी के साथ मीटिंग है मेरी. हाँ. Now you're reporting to me. I'm just kidding. All the best, okay? घर पहुँच के फोन करता. Love you. Bye. Oh hi. कितने पैसे हुए? मैं ड्राइवर के साथ कॉफी शॉप पे भिजवा दूंगी. इंटरेस्ट लगाकर कुछ 10-20 लाख. इट्स ओके अगर आप बिजी हैं. कभी और मिलेंगे. वैसे मैं आज 3 बजे सेंट्रल कॉफी शॉप जा रहा हूँ. फ्री हो तो आ जाओ. तो प्रॉब्लम क्या है? इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है ये? क्या मतलब है कॉफी पर आओ? बार बार पूछ रहा है तो मिल लो ना उससे, किस बात का डर है? पराए मर्द से मिलकर कहीं मैं उल्टा ना हो जाऊं। नहीं ओ, तुम ना बूढ़े लोगों की संगत में रहना छोड़ दो, ओके? जिंदगी उतनी ही दिलचस्प होती है जितनी जिंदा दिली से जियो। अरे जाके मिल लो उसे, बंदा इंटरेस्टिंग लगता है। और तुम सिंगल हो और उससे उम्र में 10 साल बड़ी हूँ। तो पिछले साल मैंने तुम्हें पीना सिखाया था, इस साल मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगी। Go meet him, यार। Have a coffee, share a laugh. क्या बुराई है इसमें? There's no harm done. It's not like you're gonna have an affair straight away. शायद वो दोस्त बनना चाहता है, शायद उसके पास कोई गर्लफ्रेंड भी हो, या फिर शायद वो डिवोर्स्ड वुमेन पे एक स्पेशल थीसिस लिख रहा हो। एना, एना देखना ये विंटेज टेबल की प्लेसमेंट ठीक है क्या? एना कहाँ ध्यान है तेरा? वॉक पे यार, फर्टाइल पीरियड के बीचों बीच क्या? The bang was bang in the middle. So stupid of me यार। और प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया यार। तुम दोनों टीनेजर्स हो क्या? सो जुवेनाइल इतने और नहीं हो गए कि प्रोटेक्शन यूज नहीं किया। बेटा वैसे भी ये बेडरूम सीक्रेट्स मुझे तेरे साथ शेयर नहीं करनी है, बट रोहित वाज वेरी इमोशनल यार। मैं भी इमोशनल होके पागल हो गई मैं। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, मतलब Just decide, बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। You still have time. Have a post pill. No, 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 no post pill and all that. अब तो सब भगवान के हाथ ही छोड़ना पड़ेगा। भगवान के हाथ नहीं, अपने हस्बैंड के हाथ छोड़ा है तूने। Miss stupid. यार he was so excited about let's have a baby, let's have a baby. और मैं भी stupid हो गई। I was high. Oh, तो अब अचानक उसे बच्चा चाहिए? Territory mark करके गया वो 3 महीने के लिए। फिर बीबी घर बैठेगी और यही उसे चाहिए। Stop it, Mandy. Don't fuck it up for me now. मैं तुझे ये सब इसलिए बता रही हूँ because I'm bloody scared. छोड़ ना, जो हुआ सो हुआ, जाने दे। Hi. तुम्हारे बिना घर बहुत सुना सुना लगेगा। I'm also missing you. Hey, Nikki, Nikki. Oh, बच्चे भी आए? हाँ यार, my little monkey. चलो you enjoy with Nikki, I'll go. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, talk to Nikki, हाँ ना? Oh, okay. Hello. Hi Nikki. तुम्हारे dad के handbag में तुम्हारे लिए एक gift है, have a look. अच्छा शंभू, खाना लगा दो। कैसा था trip? बस ठीक था। अच्छा तुम freshen up हो जाओ, खाना खा लो और फिर हमारे साथ चलो फार्म हाउस। माँ यही रहूंगा, वो मेरा सामान वगैरह सब फैला हुआ है और कल जल्दी काम भी है ऑफिस में, तो खाना खाते हैं। मैं वॉशरूम हो गया था। I so needed this. Thank you so much. You're welcome. God, it's the new one. I mean. फोन दे तो जरा। Actually, Dati wants to talk to you. Just a second. हेलो अनन्या। नमस्ते माँ। सुनो तुम रोहित को फार्म हाउस में रहने की परमिशन दे दो। मैं परमिशन? रोहित तो खुद घर पे रहना चाहता है, वो वहीं ठीक है। अच्छा तुम्हें कैसे पता? तुम वहाँ हो, वो यहाँ अकेला रहेगा तो अपना ख्याल कैसे रखेगा? मैं भी तो तुम्हारी बात और है, तुम अपना ख्याल रख सकती हो। वो यहाँ अकेला रहेगा तो ड्रिंक करेगा, उसका शुगर बढ़ सकता है। डोंट वरी, मैं रोज फोन करके चेक कर लिया करूँगी। काम से फुर्सत मिलेगी तभी तो लॉन्ग डिस्टेंस हाउसकीपिंग कर पाओगी ना। I see you found your laptop, huh? Yes. हाँ. All okay? Yeah. All perfect. Don't worry. I gotta go. Love you. अच्छा तूने यहीं रहना है तो रह, मैं जा रही हूँ। और खाना रोज भेज दिया करेंगे। ठीक है। मैं मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 4 जैक डैनियल्स के 20,000 रुपए हुए। And happy to see you too. Coffee? Espresso or cappuccino? I don't think so. One cappuccino, please. Espresso. वैसे एस्प्रेसो टाइप दिखती नहीं है आप। तो फिर किस टाइप की दिखती हूँ? आराम से चिल करते हुए कैपुचिनो सिपिंग टाइप। I'm divorced. It looks good on you. क्या? Single independent wife. Nice. काफी टाइम लगा होगा ना यहाँ तक पहुँचने में, इस इंडिपेंडेंस के मोड़ पर। मुझे जाना चाहिए। फोन करूं? Can't talk right now. I'm in a meeting. Rohit, ये फोटोज मैंने कब से प्रिंट करा के रखी हैं? तुमने फ्रेम क्यों नहीं किया अभी तक? हाँ, कर दूंगा। क्या? अभी करो। हाय ब्रो, क्या कर रहे तू? कुछ नहीं, घर पे हूँ। आजा घर पे, दारू पीते। घर? नहीं ब्रो, वो क्या ना फैमिली टाइम है, न्यूज़ देख रहा हूँ। चल कोई नहीं, अकेला था तो सोचा तू आ जाता तो अच्छा होता। तू अकेला है? आंटी जी फार्म हाउस पे। यार चल बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। बॉटम्स अप करे यार। रुक यार, जब मैं तेरे साथ होता हूँ ज्यादा ही पी लेता हूँ यार। मेरे को लगा मेरा यार यहाँ पे अकेला है। मैं पता क्या क्या झूठ बोल कर आया हूँ यहाँ पर। क्या कहानी बनाई? क्या कहानी बना? क्या है? एक ही मेरा दोस्त अकेला है, डिप्रेशन में है, सुसाइड करने वाला है। तूने जस्सी भाभी को ये नहीं बताया कि आना मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया? मैं हाँ, मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, क्योंकि वो काम कर रही है अपना, है ना? और मैंने सोचा कि मैं उसे अलाउ करूँ। बोल दे बेटा, कह दे। देख तेरे मेरे अलावा यहाँ कोई है तो है नहीं। हाँ, कह दे कि तूने भाभी को अलाउ कर दिया। यार एक्चुअली अलाउ वर्ड गलत है। सच बात तो ये है कि मैं उसको परेशान और नाखुश नहीं देख सकता। तूने कहा था ना मुझसे कि जा कतर जा, आना भाभी को वापस ले आ। और फिर शीना से मेरी बातचीत हुई तो उसने मुझे अच्छा आइडिया दिया, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो चल बॉटम्स अप करते हैं, फिर साथ में सुसाइड करते हैं। अरे यार बॉटम्स अप तो ठीक है, लेकिन सुसाइड की नौबत नहीं आएगी। ऐसे अगर तेरे साथ मैं रोज यहाँ पे शामें बिताने लग गया ना भाई साहब, और मेरी घरवाली ने मेरा मर्डर कर देना यहाँ पर आकर। मर्डर? क्यों? और मेरी घरवाली ना घर पे बेली बैठी रहती है यार, और उसकी लाइफ का ना सबसे बड़ा स्टॉकिंग प्रोजेक्ट ना मैं ही हूँ। और तू नहीं समझेगा, तेरी वाइफ तो वर्किंग वूमेन है, और अना भाभी की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही हैं घर और पति के अलावा। हाँ पर कब तक यार, बच्चा होगा तब तो घर पे रहना पड़ेगा ना। वाह जी, फैमिली प्लान्स। अरे वाह जी की क्या बात है इसमें? जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बच्चा ना। वैसे भी आना को बेबी चाहिए था। नाउ आई थिंक इवन आई एम रेडी। शाने क्या प्लान है? बच्चे बच्चे हो जाएंगे और भाभी घर पे बिजी हो जाएगी। और सर जी वो तेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, दो दो घर जो संभालने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज किस दिन काम आएगी यार? कैटेगरी वैसे भी है, अच्छी बड़ी फैमिली, भरा पूरा घर, बच्चे कच्चे, जरूरी है। बीवियों को बिजी कर दो और उनका माइंड डाइवर्ट कर दो। Hi baby, I'm really missing you. You have no idea how much I'm missing you. मैंने सुबह तुम्हें फोन किया था, क्या हुआ? अरे हाँ, I was in the bathroom when I came out, मैं तुम्हारा मिस्ड कॉल देखा, फोन करने वाला था तो मम्मी का फोन आ गया, फिर one thing after another and I couldn't call you back. I'm so sorry. अच्छा वो एक मिनट। Rachel. Yes sir. Shut my door please. Yes sir. Thank you. वो प्रेगनेंसी टेस्ट कब करवाओगी? Rohit, it's too early right now to do that ना? Oh, is it? ठीक है, तो let me know. हाँ? साहब, what are you wearing? तुम्हारा favorite top? और अंदर? Pick भेजो pick, sexy वाला. Rohit? ना tell me ना, lacy और? Harry. Lacey or Harry? I have to go for a meeting. I'll talk to you soon, okay? Yeah. And I have to get back to work. You have a great day. और hotel वापस आओगी तो मुझे FaceTime करना, हाँ? Naughty वाला, okay? Yeah. Bye. Bye. चलो. Let's go. Yeah. Let's go. Come. Hello. Wow. तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही, सारी दुनिया से छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही, एक वादा करो अब हमसे ना बिछड़ोगे कभी, नाज हम सारे उठा लेंगे, तुम आओ तो सही। तुम्हें तो पता ही नहीं तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल है, तुम आओ तो सही। एक पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरा नेगेटिव दिखा रहा है और तीसरे की वेट कर रही हूँ मैं। फक, लग गई यार। 5 बॉटल पानी पी चुकी हूँ सुबह से, मतलब इतना सुसु तो जिंदगी में नहीं किया है यार मैंने। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी ये होता है, ओके? और वैसे भी जस्ट 3 days आप यार, राइट? हाँ मतलब ऐसा तो मूवीज में होता है ना कि एक ही बार में प्रेगनेंट हो गए। ओह यार कौन है अभी? हाय। टेस्ट किया? हाँ। तो फिर? अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरा नेगेटिव दिखा रहा है। It's all 50-50. It's all your fault, Rohit. What do you mean 50-50? ऐसा थोड़ी होता है। Get another test done. किया है। I'm just waiting for it. अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। चलो bye bye. अरे listen, hello. It's over. दिल